हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ट्राईपॉड कम सेल्फ स्टिक जो मैंने मीशो से लिया है। तो मीशो में मैं ट्राईपॉड ढूंढ रही थी, तो उसमें ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि है ट्राईपॉड कम सेल्फ स्टिक। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बेसिकली जो मेरे तरह प्रोडक्ट शूट करते हैं, प्लस जिन जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो लोग फ़ोटोस वगैरह खींचने में बहुत पसंद है उनको, तो अगर ऊपर से फ़ोटो खींचेंगे तो भी सेल्फी स्टिक बहुत हेल्पफुल होता है। तो कुछ ऐसा है ये स्टिक, यानी कि सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड, और बहुत अच्छा है। और इसके अंदर ब्लूटूथ एक रिमोट भी दिया गया है, जिससे कि अगर आपका फ़ोन आपसे दूर हो, सेल्फी स्टिक की तरह ही है, यानी कि ब्लूटूथ रिमोट है, तो ब्लूटूथ रिमोट से आप फ़ोटोज़ या फिर वीडियो क्लिप्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप एक यूट्यूबर हो, और क्या इसकी प्राइस कितनी है, और क्या आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। मुझे पता है कि आपको भी पता होगा कि मीशो में बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, होलसेल प्राइस ऑब्वियसली। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी लिंक तो मीशो में नहीं मिलती, कोड मिलती है, तो इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मीशो में इमेज देके सर्च कर सकते हैं। मैं साइड में इसका जो इमेज है वो मैं दिखा दूंगी आपको। तो मीशो में मैंने जब चेकआउट किया था तब इसका जो कलर था वो ब्लैक था। हालांकि मैं बाद में आपको दिखा दूंगी कौन कौन से कलर इसके अवेलेबल हैं और मीशो में कौन से कलर इसके अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने जब ऑर्डर किया था तो वो ऑब्वियसली एक कार्टून बॉक्स में आया था, उसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट निकाला वो यही था। आई थिंक बबल रैप में रैप किया हुआ था, तो मैंने मतलब एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले मंगवाया था, तो मुझे उतना याद नहीं है। तो जब ये आया था ना, तो ऊपर का ये सील्ड, मतलब ऊपर का ऐसे बंद था, बट नीचे का ना ऐसे ओपन था, तो कोई बात नहीं। तो नीचे ऐसे ओपन था, तो निकालने के बाद कुछ ऐसा निकला है। तो इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी हद तक अच्छी है। तो प्राइसिंग आप देख सकते हो, प्राइसिंग इसकी 400 के आसपास है, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। हाँ, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको देखिए, ये कुछ इस तरह का है। जिनको पता होगा तो वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो यहाँ पर हम फ़ोन होल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन में इस फ़ोन को इस पे रख सकते हो। आपको क्या करना होगा, इसमें थोड़े हैंडल्स दिए गए हैं, तो इसको ऐसे करके अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें वो स्ट्रेचेबल है, तो आपका विथ जो है फ़ोन का जितना भी होगा ये मेंटेन कर लेगा इससे। और अगर आप इस तरफ से रखना चाहते हो तो इसको इस तरफ से रख सकते हो। ये पूरा 360 रोटेटेबल है, तो काफ़ी हद तक अच्छा है। और ये ऐसे मुड़ सकता है, ओके, ये ऐसे मुड़ सकता है, और अगर हम इसको लूज़ करेंगे तो ये बहुत ढीला हो जाएगा, और इसको ऐसे टाइट करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा एक तरफ। तो ये चीज़ बस इतना ही, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री रोटेट कर सकता है ये, लेकिन इस तरफ से नहीं रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पर है ऐसा, और इसको आप ओपन करेंगे तो ये ट्राईपॉड की तरह काम करेगा। मैं यहाँ पर रख के दिखाती हूँ आपको, फ़ोन को ज़रा ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है एज अ ट्राईपॉड आप रख सकते हो, और यहाँ पर फ़ोन आप रखोगे तो हो गया। मैं फ़ोन रख के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी हम फ़ोन रख के देखते हैं कैसा लगता है। दोनों पोजीशन में ही फ़ोन रखेंगे, यानी कि जब आप रील्स बनाओगे तब कैसा होगा, और जब आप यूट्यूब वीडियोस बनाओगे तब ये कैसा लगेगा। तो मैं थोड़ा उल्टा रख रही हूँ। ये इसका थोड़ा सा टाइट है ताकि आपका फ़ोन अच्छे से लग जाए। मैं प्रॉपरली लगा दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत टाइट है ये क्लिप, तो ऐसे करके आप फ़ोन रख सकते हो, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, यानी कि लंबा ट्राईपॉड भी बना सकते हो। बट कितना लंबा, सेल्फी स्टिक जितना लंबा होता है उसको इतना सा लंबा आप बना सकते हो। और इसको एज खोल के फिर आपको अगर उतना ही लेंथ में आपका अगर हो जाए
तो उतना ही लेंथ में आप ऐसे रख सकते हो। तो इसको कर देते हैं डाउन। ओके, सब पीसेस को ओपन करते हैं और इसको घुमा सकते हो आप। इसको ऐसे घुमाओगे, सॉरी ऐसे घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ रहेगा तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये नीचे की तरफ रख के फिर आप इजीली इसको ऐसे कर सकते हो, बहुत इजी है। बट ये क्लिप थोड़ा टाइट है तो तब आपको ध्यान से अपना फोन रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो 360 रोटेटेबल है। अब बात करते हैं सेल्फीज की। तो ये इतना तक तो होता है, देख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे करके कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता है एक जो मुझे इशू आ रही थी कि ये सेल्फी स्टिक है तो सेल्फी के लिए आप यहाँ तक तो मुड़ सकते हो। अगर ये इस तरफ भी मुड़ पाता तो बहुत अच्छा था, ताकि मैं बैक कैमरे से भी शूट कर पाती। अगर सोचिए मैं ट्राइपॉड से ऐसे शूट कर रही हूँ लेकिन मैं सेल्फी की तरफ नहीं शूट कर रही। जैसे मैं अभी सेल्फी कैमरे से शूट कर रही हूँ, यानी कि फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा होगा वो इस तरफ होगा। लेकिन अगर मैंने बैक कैमरे से शूट किया तो क्या होगा कि कैमरा तो इस तरफ होगा। तो तब अगर मैं नीचे कुछ अगर कुकिंग वीडियो शूट करना चाहती हूँ तो तब तो ये थोड़ा ऐसे रोटेट हो पाता, कुछ ऐसा होता तो कैमरा बैक कैमरे से अच्छे से मेरा शूटिंग हो पाता। लेकिन नहीं, मुझे वो सेल्फी कैमरे से ही शूट करना पड़ेगा ताकि मैं इस तरफ ऐसे झुका सकूँ फॉर माई कुकिंग वीडियोस। और कुछ अगर स्किन केयर वीडियोस हो, होम रेमेडीज वीडियो हो, तब तो मुझे टेबल पे रख के वो रेमेडीज दिखानी पड़ेगी ना, तो वो तो बैक कैमरे से फिर शूट नहीं हो पाएगी अगर ये रोटेटेबल नहीं है। तो ये सिर्फ 90 डिग्री रोटेटेबल है फ्रॉम द सेल्फी साइड, यानी कि सेल्फी कैमरे से भी कुछ सब कुछ कर सकते हो बट बैक कैमरे से आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट हाँ, इतनी हाई क्वालिटी में नहीं लगी क्योंकि 400 रुपया है यार, इतनी भी अच्छी क्वालिटी। लेकिन अच्छा ही है, क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग है। बट ये प्लास्टिक का है ऊपर और नीचे वाला स्टील का है, और ये ऐसे ऐसे बहुत ग्रिप बहुत अच्छा डालता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी बढ़ती है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो फ़ोटो दिया गया वो वाइट का दिया गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो कलर्स अवेलेबल दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। लेकिन उस मीशो में सिर्फ ब्लैक ही मुझे एक दिखा रहा था। और इसकी जो एक्सटेंड लेंथ है वो 27.6 इंचेस है। और बैटरी जो है रिप्लेसेबल बैटरी, यानी कि यहाँ पर एक रिमोट दिया जाता है ताकि आप इजीली फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर सको। अदर देन दैट यू कैन टेक आउट द बैटरी, ताकि अगर आप सोचिए आप सेल्फ़ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब तो ये ट्राइपॉड तो तब दूर रहेगा। अगर पूरा पीछे जाओ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, अगर तब इस रिमोट का आप अलग से कंट्रोल कर सकते हो। बस इसका एक बटन होता है, बटन को क्लिक करने से ऑटोमेटिक ब्लूटूथ में आपकी फ़ोन में वो कनेक्शन हो जाती है बहुत इजीली। ठीक है, सेल्फी कॉम बोल के जो है इस कंपनी का नाम है। तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी मैं जो शूट कर रही हूँ वीडियोस, मैंने बहुत सारे बुक्स के ऊपर और पेन होल्डर के साथ हेल्प लेके मैंने अपना फ़ोन जो है लगाया है। लेकिन पिछली वाली वीडियोस में मैंने यही वाली स्टिक यूज़ की थी फॉर माय रिकॉर्ड एंड इट वाज क्वाइट नाइस। बट मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि ये बहुत टाइट होने की वजह से कभी कभी मेरी फ़ोन मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है इसके अंदर डालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो मेरा फ़ोन थोड़ा विड्थ में बड़ा है तो ये भी फिर भी पतला है। जो मैं शूट कर रही हूँ वो मेरा मेन कैमरा है तो उसी से अगर थोड़ा सा ये टाइट है बट फिर भी ठीक है, ताकि ये अच्छे से कर सके। क्योंकि जो मेरा फ़ोन है और जो ये फ़ोन फिर भी बहुत हल्का है, जो मेरा फ़ोन है वो बहुत थोड़ा सा हैवी है इसके हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हैवी है, इससे बहुत हैवी है। तो इसको होल्ड करने के बाद लगता है कि यही टूट जाएगा, ऐसा फीलिंग आता है। क्योंकि मेरा फ़ोन इससे ज़्यादा भारी है, तो इस तरीके से अगर सोचिए कि इतना पतला सा एक रॉड में अंदर तो हॉलो है, यहाँ पर भारी एक फ़ोन रहेगा तो एक डर तो लगेगा कहीं ये टूट ना जाए। क्योंकि एज सच थोड़ा चीप, मैं बोल सकती हूँ चीप नहीं, डिसेंट क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो फीलिंग तो ज़रूर आता है। ओके, सो आपको प्राइस वगैरह डिटेल्स वगैरह मैंने दे दिया। और बताइए कि आपने कभी ऐसा स्टिक ख़रीदा है, यानी कि ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक, अगर आपने ख़रीदा है यूज़ करते हो तो कैसा लगा।
और मीशो से मैंने लिया है क्योंकि मीशो में ही मैंने देखा है, हालांकि मैंने बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी सर्च किया, वहाँ पर भी है, बट मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ मिलता है, तो मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम मीशो में देखी, तो मैंने मीशो से ही ले ली एंड दिस इज़ अ क्वाइट गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर मी। साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसके अंदर वो ब्लूटूथ वाले बटन्स है ताकि मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाऊँ, फिर दूर से वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर पाऊँ, क्योंकि अभी जैसा मैं माइक की तरह यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर, तो मैंने सोचा था ये भी बहुत अच्छा काम करेगा एज पर फोटो क्लिकिंग या फिर वीडियो क्लिकिंग की, लेकिन ये वीडियो क्लिकिंग की तरफ से नहीं काम करता, माइक की तरफ बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हाँ ये ब्लूटूथ वाला जो ये है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो लोग बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे उनको तो पता है प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने आउटडोर शूट अभी तक नहीं किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दूर से शूट करने पर ये कैसे लगता है, कितना दूर तक मुझे शूट कर पाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं डिस्टेंस से शूट कर रही हूँ, अभी मेरे हाथ जो है बिल्कुल मेरे पास में है, मेरे पास बिल्कुल मेरे हाथ है, और अभी मैं मेरे हाथ को भी एकदम फुल लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। देखिए पूरा इस तरफ से मेरा जो वीडियो है वो शूट हो रहा है, एंड हम इस तरफ से पास भी लेके आ सकते हैं। मेरा जो सेल्फी स्टिक का जो लेंथ है मैंने फुल ओपन करके रखा है, मैं इस तरफ से दिखाती हूँ, पूरा ओपन करके रखा है, ये वाला रोटेटेबल है 90 डिग्री। सेल्फी स्टिक मतलब मेरी तरफ से, बैक एंड से ये बिल्कुल रोटेटेबल नहीं है, तो बैक कैमरे से आप नीचे की तरफ शूट नहीं कर सकते, बट सेल्फी स्टिक सेल्फी की तरफ आप नीचे की तरफ शूट कर सकते हैं। मैंने अभी ब्लूटूथ का रिमोट ऑन नहीं किया है, तो इसलिए मैंने मैनुअली में हैंडल कर रही हूँ, एंड काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जाता है।